बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गीले अकाल की घोषणा की मांग को लेकर आक्रामक हो गए हैं। मंगरूल चीनी मिल के सामने से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 18 अगस्त गुरुवार को राज्य सरकार की नीति की आलोचना को लेकर चक्काजाम धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार यवतमाल जिला एक किसान आत्महत्या प्रवण जिला है। भारी बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने अभी तक बेलोरा मंडल में पंचनामा नहीं किया, ऐसा आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया है। आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सिर्फ घोषणाबाजी की जगह गीला अकाल घोषित कर किसानों को ठोस मदद देने की मांग की गई। चक्का जाम आंदोलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 361 पर करीब 1.5 घंटे तक यातायात बाधित रही। बाद में पुलिस ने आकर यातायात सुचारू कराई। कित्येक दिवसापासून पाऊस हा चालूच आहे। यवतमाळ तालुक्यात सुद्धा पाऊस खूप प्रमाणात झालेला आहे, अतिवृष्टी झालेली आहे, पण या सरकारला अजून अद्यापर्यंत जाग आली नाही। यवतमाळ तालुक्यात सर्वे केला पण त्यांना डावलण्या यवतमाळ तालुक्याचा डावलण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे की काही दिसून राहिलेला आहे। आजपर्यंत शिंदे सरकार म्हणत होते की आम्ही डबल मदत देऊ, पण एकर शेतकऱ्याच्या खात्यात अजूनपर्यंत 1 रुपयासुद्धा आला नाही। निंदण्यासाठी पैसे नाही, शेतकऱ्यांजवळ खत देण्यासाठी पैसे नाही, खत दिलेलं पाण्याने वाहून गेलं, अद्यापपर्यंत हे सरकार कोणाच्या बांधावर आलं नाही, हे या ठिकाणी खंत या युवक काँग्रेसमार्फत आम्ही रास्ता रोको आंदोलन करून करत आहे। आणि शेतकऱ्यांना यवतमाळ तालुका ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि 50,000 रुपये हेक्टरी मदत द्यावी या ठिकाणी आम्ही मागणी आहे। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।